नरोत्तम सेठ ने आज कहीं व्यस्त होने के कारण ईंट भट्ठे पर फिर अपने बेटे को ही भेजा था। बेटे का मन कभी भी भट्ठा पर नहीं लगता था, जिसके कारण वह अक्सर ग्राहकों से उलझ जाता था। जबकि नरोत्तम सेठ चाहते थे कि अब वह अपना अधिक से अधिक समय भट्ठा पर दे, जिससे वो अपने पुस्तैनी व्यवसाय में दक्ष हो सके। अभी उनका बेटा आकर अपने केबिन में बैठा ही था कि मुनीम आ गया। भैया जी, एक बुड्ढा फटी पुरानी पर्ची लेकर आया है और 10,000 ईंट मांग रहा है। क्या मतलब? बेटे ने पूछा। कह रहा है कि सन 1968 में 15,000 रुपया के भाव से उसने 10,000 ईंट का दाम 150 रुपया जमा किए थे, जो आज लेने आया है। दिमाग खराब है उसका? आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है, 150 रुपए में कैसे दे देंगे? भगा दो उसको यहां से जल्दी। पर बड़े बाबूजी के हाथ की दस्तखत की हुई रसीद है उसके पास। तो क्या हुआ, तब क्यों नहीं ले गए थे? अब जब ईंट का मूल्य 8,000 रुपए प्रति हजार है, तब ये 15 रुपए के भाव से ले जाएंगे? शेठ का लड़का अभी मुंशी और बुड्ढे को डांट ही रहा था कि नरोत्तम सेठ स्वयं आ गए। देखा बेटा फिर आज किसी से उलझा हुआ है। कारण पूछने पर बेटे ने वह मुड़ी तुड़ी पर्ची सेठ को पकड़ा दी। सेठ पर्ची को देखते ही चौंक गए। अब बुड्ढे की तरफ ध्यान से देखा और पहचानते ही मुस्कुरा पड़े। धनी राम, कहाँ गायब हो गए थे? भाई, पैसा जमा करके मैंने तब कितनी प्रतीक्षा की थी आपकी। खैर, अब ले जाओ 10,000 आपकी ईंट तो मेरे पास है ही। पर पापा, 80,000 की ईंट 150 रुपए में कैसे संभव है? बेटे ने कहा। बेटा, जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब वही भाव था। सन 68 से इनका भी 150 रुपया इस ईंट भट्ठा में लगा हुआ है, जिसके कारण हम अपने इस व्यवसाय को इतना बढ़ा सके। उस 150 रुपए की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से आप खा रहे हो। 80,000 से बहुत ज्यादा खा चुके हम। मेरे हाथ की रसीद लिए हैं ये। मुझे याद है तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस भट्ठा पर आना शुरू किया था, या मेरी ही उम्र के हैं शायद। जब मैंने यह रसीद काट कर इन्हें दी थी तो इन्होंने हंसकर कहा था, अगर रसीद गायब हो गई तो क्या होगा? तब मेरे पिताजी ने इन्हें जो जवाब दिया था वह मुझे आज भी याद है। पिता ने कहा था कि अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद ना भी लाओगे तब भी ईंट आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। लेकिन जहां तक रसीद की बात है, तो अगर आप इसे रखे रहेंगे तो मेरे न रहने के बाद भी आपको ईंटें मिलेंगी, क्योंकि बेईमानी ना तो मुझ में है और ना ही मेरे खून में है। इतना कहकर सेठ ने 10,000 ईंट बुड्ढे के यहाँ पहुंचाने के लिए मुंशी को आदेशित कर दिया और अपने बेटे के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन ईमानदारी का पथ कभी न छोड़ना। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। धन्यवाद।